कुछ दिन हुए हैं कुछ न्यू गाइस ने ज्वाइन किया है और कुछ दिन बाद चार गाइस को ग्रुप लीडर के लिए एक साथ प्रमोट किया जाएगा। फिलहाल ऑफिस का कंडीशन काफी अच्छा है और प्रिंस में भी काफी सुधार आया है। उसने अपने काम करने की इच्छा मुझे बताई है। अब तो वो अकेले ही दिन का 3,000 रुपए जूसी इनकम कर रहा है और रेस्टलेस एफर्ट दे रहा है वो सर। गुड, वेल डन। अब तो तुम एक काम करो, सैटरडे को वापस आ जाओ, फिर मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना। यस सर। ओके, बाय सर। गुड मॉर्निंग गाइस, आर यू एक्साइटेड? यस सर। आर यू 100% एक्साइटेड? यस सर। गाइस, लाइफ इज सो डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई हमें हरा नहीं सकता अगर हमें खुद पे विश्वास हो। अपना अपना काम मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें हर रुकावट को आसानी से पार करना होगा। कंपनी ने हमें रहने के लिए घर, खाना, यूनिफॉर्म, सैलरी, इंसेंटिव, सेल्स एंड मैनेजमेंट की फ्री ट्रेनिंग दी है। और सोचो, एक आदमी जो मदद के लिए हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखता है। इसीलिए सभी को ये बात याद रखना है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे खुद के हाथ पे है। इसे कैसे निखारोगे ये भी तुम्हारे खुद के हाथ पे है। इसीलिए कंपनी ने जो भी सुविधा दिया है, इनको पॉजिटिवली लेके अपने जीवन को और ऊंचाई पे लेके जाओ। ऑल द बेस्ट, बाय। मैम, आई रियली लव यू। क्यों आज मुझे प्रिंस की इतनी याद आ रही है? क्यों बार बार उसकी बातें मुझे याद आ रही है? मैंने प्रिंस के प्यार को ठुकरा के कोई गलती तो नहीं की? गुड आफ्टरनून सूरज। मैम, अगर हो सके तो मेरे दोस्त प्रिंस को माफ कर देना। उसकी की हुई गलतियों का एहसास उसे हो गया है और उसे उस गलतियों का पछतावा भी है। मैं आज सफल हूँ और मैं धनवान भी हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पास सब कुछ है और जैसे तुमने कहा था, मेरी जिंदगी में सच में एक खूबसूरत लड़की आई है, निशा। इस अप्रैल की 28 तारीख को मेरी शादी है, इसीलिए आपको मेरी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। मुझे खुशी होगी। कंग्रेचुलेशन, देखा मेरी बातें कैसे सच हो गई। लगता है तुम दोनों को भी ये बातें बताने का वक्त आ गया है, वरना तुम लोग मुझे गलत समझते रहोगे। जन्म, मृत्यु, विवाह, ये कब, कैसे और किसके साथ हो जाए, ये तो कोई नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी प्रिंस।